नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा के एक सोशल वर्कर से फौजी बनकर तीन लोगों द्वारा लूट का मामला सामने आया है। घटना 8 मार्च की है। नोएडा के सोशल वर्कर सत्यनारायण सिंह होली के दिन अपने घर इटावा जा रहे थे। आगरा के लिए सवारी का इंतजार कर रहे सत्यनारायण को एक कार चालक ने लिफ्ट के बहाने अपनी कार में बैठा लिया। उनके साथ एक और व्यक्ति बैठ गया। कार में पहले से एक और व्यक्ति मौजूद था। तीनों कार सवार लुटेरे जैसे ही चपरगढ़ अंडरपास के समीप पहुंचे तो सुनियोजित ढंग से तीनों ने सेना के विजिलेंस टीम के फौजी बनकर सत्यनारायण की जबरन तलाश शुरू कर दी। तलाश में उनसे 21,000 रुपये और 2 मोबाइल की सिम निकालकर छीन लिए। 21,000 रुपये और 2 मोबाइल की सिम लेने के बाद सत्यनारायण को लुटेरों ने कार से बाहर उतार दिया और चलते बने। पीड़ित ने धनकौर कोतवाली पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस मामले को टालती रही। शनिवार को पीड़ित के पुलिस ने बयान लिए और घटनास्थल पर पीड़ित के साथ जांच के लिए गए। आइए सुने पीड़ित की जुबानी, उनकी कहानी। और फ्रॉडबाजी कितने रुपए की थी आपके साथ? 21,000। दोनों मोबाइल की सिम। कब की घटना है? 8 मार्च की। अच्छा, तो जिन्होंने लूट करी थी वो कैसे थे? विजिलेंस विभाग से फौजी थे। फौजी बताया था उन लोगों ने? कपड़े पहन के थे क्या फौजियों के? नहीं, एक ग्रे कलर की शर्ट थी, चेक की, एक छींट वाला थी और एक की गेहूं का कलर की थी, जो मेरे पास बीएसएफ का जमान बन के बैठा था, उसने ही लूटा। और पैसे किस लिए निकलवाए थे उन्होंने? मैं विजिलेंस विभाग से हूँ, सारा सामान पैसे चेक कराऊ। अच्छा, अभी आपको वापस मिल जाएंगे। और पैसे मिले नहीं, मेरे से ठगी हुई। और तो मतलब फिर आपने मांगे ना अपने पैसे? मैंने मांगे, फिर क्या समय मांगते, चुपचाप उतर गया भलाई इसमें। अच्छा, आप अकेले थे, डर गए? तो मैं डर गया, फिर चुपचाप उतर गया। मोबाइल सिम ले ली, दोनों सिम ले गए। पीड़ित सत्यनारायण के बयान लेकर पुलिस ने घटना स्थल की जांच कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस यमुना एक्सप्रेसवे के लुटेरों की तलाश कर रही है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।